साल 1961 में इंसान धरती से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। इस स्टार्टिंग के साथ ही इंसानों ने यूनिवर्स के रहस्यों का पीछा करना शुरू कर दिया। इतनी कोशिशों के बावजूद भी इंसान हमारे विजिबल यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे विजिबल यूनिवर्स के बाहर का हिस्सा आखिर कितना बड़ा है। हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, लेकिन यूनिवर्स शुरुआत में इतना विशाल नहीं था। ये सिर्फ एक छोटे से डॉट के जितना बड़ा था। आज हम आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलते हैं जहां आप हमारे यूनिवर्स की पूरी कहानी जानेंगे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स परमाणु से भी छोटा था। अचानक इसमें एक ब्लास्ट होता है और ये एक सेकंड में ही अपनी पूरी एनर्जी को चारों ओर फैला देता है। इस धमाके को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के कारण यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगता है और फिर ये लाखों करोड़ों सालों तक लगातार एक्सपेंड होता जा रहा था। इस यूनिवर्स के विस्तार के साथ समय भी अस्तित्व में आ गया और फिर करोड़ों सालों तक एक्सपेंड होने के बाद बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई एनर्जी अब सीमित होने लगी और सीमित होकर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक पार्टिकल बनने लगी। ये एटॉमिक पार्टिकल बाद में आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण करता है, लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिससे ये आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए जब यूनिवर्स में मैटर का निर्माण हुआ तो उसे एंटी मैटर ने खत्म कर दिया, लेकिन यूनिवर्स में मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद मैटर का एक हिस्सा बच गया। मैटर के इस बचे हुए हिस्से में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जिसके कारण बचे हुए हिस्से में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के साथ हाइड्रोजन अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने के बाद यूनिवर्स में ग्रेविटी का निर्माण हुआ और फिर ग्रेविटी हाइड्रोजन को कंप्रेस करने लगी, जिसके कारण हीलियम अस्तित्व में आता है। हीलियम और हाइड्रोजन ने मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन से यूनिवर्स के पहले तारे का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे यूनिवर्स में काफी तारे बनने लगे। इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया और एक समय ऐसा आया जब ग्रेविटी ने सभी तारों को एक दूसरे के पास लाकर इनका ग्रुप बना दिया। इन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। इन सब गैलेक्सीज के बनने के बाद यूनिवर्स में अब भी सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन ही थे और इनके अलावा यूनिवर्स में किसी तारे का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने एक तारे का सुपरनोवा से अंत हुआ तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स अस्तित्व में आ गए। इन एलिमेंट्स के अस्तित्व में आने के कारण यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल से भर गया, लेकिन एक बार फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया और इसने इन सभी डस्ट पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ दिया। डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड के रूप में बदल गए। इसी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स के जन्म के 9 अरब साल बाद हमारी धरती का जन्म होता है। धरती के बनने के कुछ समय बाद ही धरती से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराता है और इसके एक हिस्से को इससे अलग कर देता है। ये हिस्सा धरती से अलग होकर धरती के चारों ओर घूमने लगता है। धरती के इसी टुकड़े को हम चांद के नाम से जानते हैं, लेकिन चांद के बनने के बाद धरती पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगते हैं और इन्हीं विस्फोट के कारण धरती के अंदर से लावा बाहर आकर जमीन और वातावरण को काफी गर्म कर देते हैं। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था और जीवन उत्पत्ति के लिए अच्छी कंडीशन बनती जा रही थी। इन्हीं ज्वालामुखी विस्फोट के साथ नाइट्रोजन और कार्बन जैसी गैसेस भी बाहर निकलती है, जो एक साथ मिलकर धरती पर वायुमंडल को बनाती है। और आज से लगभग 4.2 अरब साल पहले धरती पर लिक्विड वाटर अस्तित्व में आया। लिक्विड वाटर के अस्तित्व में आते ही धरती पर ऑर्गेनिक लाइफ की शुरुआत होने लगी। उस समय धरती पर एक दिन 7 घंटे का होता था। समय के साथ साथ टाइम की अवधि ज्यादा होती गई और देखते ही देखते समय बीतने लगा और पानी के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगे। आज से करीब 2.3 अरब साल पहले धरती पर पहले हिमयुग की शुरुआत हुई। जैसे ही धीरे धीरे हिमयुग खत्म होता गया, वैसे ही धीरे धीरे धरती गर्म होती गई। हिमयुग के खत्म होने के बाद महासागर और महाद्वीप लगातार अपने आकार में बदलाव करते गए और पहले से ज्यादा बड़े और विशाल होते गए। उस समय समुद्र की लहरें काफी बड़ी और विशाल होती थी, लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रमा की शक्तियों के कारण ये विशाल लहरें कम होती गई और समुद्रों का पानी स्थिर होता गया। पहले हिमयुग के खत्म होने के 1 अरब साल बाद धरती पर कोशिका जीवन का जन्म होने लगा। आज से करीब 60 करोड़ साल पहले सबसे पहले समुद्री जीव का जन्म हुआ। समुद्र में धीरे धीरे छोटे एनिमल्स का जन्म होने लगा और वे छोटे एनिमल्स समय के साथ काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते गए। इसके बाद धरती पर पेड़ पौधे भी उगने लगे और आज से करीब 400 मिलियन साल पहले धरती पर जंगल का निर्माण हुआ। उस समय के पेड़ पौधे भी जानवरों की तरह आज की तुलना में काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते थे। उस समय एक दिन 22 घंटे का होता था, जिसके बाद धीरे धीरे समुद्र पर रहने वाले जीव जमीन पर आने लगे और आज से 30 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन के कारण डायनासोर ने धरती पर अपना कदम रखा। डायनासोर ने धरती पर 16.5 करोड़ साल तक राज किया। उस समय डायनासोर ने हर तरफ आतंक मचा रखा था और वो आपस में लड़ाइयां करते रहते थे और एक दूसरे को मारते रहते थे। उनमें से काफी
काफी सारे डायनासोर मांसाहारी और काफी सारे शाकाहारी होते थे। मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोर को मार कर खा जाते थे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के कारण इनका भयानक तरीके से धरती से नामो निशान मिट गया। इस टकराव की वजह से डायनासोर के साथ साथ काफी सारे जीव विलुप्त हो गए। ये टकराव इतना बड़ा था कि इस टकराव में धरती से 75% जीवन खत्म हो गया। बड़े बड़े जीवों के साथ छोटे जीव भी खत्म हो गए। डायनासोर का वजूद खत्म होते ही आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर मैमल्स आए, जिसने समय के साथ खुद को विकसित करना शुरू कर दिया। जिस समय डायनासोर का अंत हुआ था उस समय मैमल्स का आकार चूहे के जितना होता था, लेकिन धीरे धीरे ये एवोल्यूट होते गए और आज से 24 लाख साल पहले इंसानी प्रजाति होमो एबिलिस अस्तित्व में आए। इसके बाद होमो एबिलिस एवोल्यूशन के कारण होमो सेपियंस में बदल गए। आज से 11,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज खेती के बारे में जानते भी नहीं थे और वो जानवरों का मांस खाकर पेट भरते थे, लेकिन बाद में इंसानों ने मांस को भूनकर खाना और उसके बाद खेती करना शुरू किया और वो मांसाहारी से शाकाहारी होते चले गए। इंसानी सभ्यता के विकास में सबसे पहला मोड़ तब आया जब आज से 4,000 साल पहले इंसानों ने गिजा का पिरामिड बनाया और इसके बाद इंसान लगातार तरक्की करता गया और इस सब के बाद शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों ने एशिया और अमेरिका जैसे महाद्वीप तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया और फिर 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बिजली के आविष्कार ने दुनिया को बदल कर रख दिया। 1903 में इंसानों ने वो उपलब्धि हासिल की जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। 17 दिसंबर को विल्बर और ऑरविल नामक अमेरिकन भाइयों ने दुनिया के पहले एरोप्लेन में उड़ान भरी। इसके बाद साइंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार टेक्नोलॉजी होती रही और साइंटिस्ट नए नए आविष्कार करते रहे और साल 1961 में सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ इंसान धरती से बाहर निकल गया और फिर साल 1969 में इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और इस समय इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्पेस साइंटिस्ट इलोन मस्क मंगल पर इंसानी बस्तियां बनाने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि उनके इस मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद हम इंसान पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए और हम पूरे सोलर सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर ले। काफी सारे वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान भविष्य में टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएगा जो अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि जिस इंसान का पूरे यूनिवर्स में एक छोटा सा अस्तित्व है वो भविष्य में इस यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। यहाँ तक कि आने वाले 100 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ कुछ हजार साल पहले पृथ्वी पर रहने के लिए ही इंसानों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, वही आज इंसान दूसरे ग्रहों पर जाकर अपनी बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको 14 अरब साल पहले से लेकर अब तक का सफर, और इस सफर में इंसानों की प्रोग्रेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं।